नफरत अंगेज तकरीर बानी एमक्यूएम को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने सख्त शराइत के बाद जमानत मंजूर कर ली। अदालत का बानी मुतहदा को सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी का 18 अक्टूबर से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। राबता मुहिम का आगाज कराची से होगा। इख्तिताम 30 नवंबर को मुजफ्फराबाद में किया जाएगा। नफरत अंगेज तकरीर बानी एमक्यूएम को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने सख्त शराइत के बाद जमानत मंजूर कर ली। अदालत का बानी मुतहदा को सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी का 18 अक्टूबर से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। राबता मुहिम का आगाज कराची से होगा। इख्तिताम 30 नवंबर को मुजफ्फराबाद में किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के पूरे मार्च में पीपल्स पार्टी शरीक होगी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कोर कमेटी के इजलास में फैसला। और वजारत खजाना बर वक्त खाद सब्सिडी फराहम करने में नाकाम हो गई। खाद के दो कारखानों का महंगी गैस खरीदने से इनकार। यूरिया की किल्लत का खदशा। खाद के कारखाने 4 माह से एलएनजी पर चल रहे हैं। नफरत अंगेज तकरीर बानी एमक्यूएम को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने सख्त शराइत के बाद जमानत मंजूर कर ली। अदालत का बानी मुतहदा को सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी का 18 अक्टूबर से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। राबता मुहिम का आगाज कराची से होगा। इख्तिताम 30 नवंबर को मुजफ्फराबाद में किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के पूरे मार्च में पीपल्स पार्टी शरीक होगी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कोर कमेटी के इजलास में फैसला। और वजारत खजाना बर वक्त खाद सब्सिडी फराहम करने में नाकाम हो गई। खाद के दो कारखानों का महंगी गैस खरीदने से इनकार। यूरिया की किल्लत का खदशा। खाद के कारखाने 4 माह से एलएनजी पर चल रहे हैं। नफरत अंगेज तकरीर बानी एमक्यूएम को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने सख्त शराइत के बाद जमानत मंजूर कर ली। अदालत का बानी मुतहदा को सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी का 18 अक्टूबर से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। राबता मुहिम का आगाज कराची से होगा। इख्तिताम 30 नवंबर को मुजफ्फराबाद में किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के पूरे मार्च में पीपल्स पार्टी शरीक होगी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कोर कमेटी के इजलास में फैसला। और वजारत खजाना बर वक्त खाद सब्सिडी फराहम करने में नाकाम हो गई। खाद के दो कारखानों का महंगी गैस खरीदने से इनकार। यूरिया की किल्लत का खदशा। खाद के कारखाने 4 माह से एलएनजी पर चल रहे हैं।